मेडिटेशन द वे ऑफ लिविंग में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, मेडिटेशन आपकी लाइफ में कैसे हेल्पफुल रह सकता है और मेडिटेशन और उनके बारे में जो भ्रम है उनको हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन और ध्यान माइंड का एक स्टेट है, मीन्स के आपके मन की एक पोजीशन जहां पर आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को संयुक्त महसूस करोगे, जहां पर आप अपने शरीर को मन के साथ जोड़ पाओगे। अब मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? अब सब लोग कहेंगे कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में ही है, मैं जो चाहता हूँ वही सोचता हूँ और जो सोचता हूँ वही करता हूँ। लेकिन क्या यह सच है कि आप अपने मन के कंट्रोल में नहीं हो? क्या आपने अपने मन के विचारों पर कभी गौर किया है? अगर हाँ तो आगे सुनिए। आप पूरी लाइफ में एक बार तो गुस्सा हुए ही होंगे, उसके बाद अफसोस बहुत हुआ होगा कि इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा क्यों आ गया। अब सवाल यह है कि आप गुस्सा थे उस वक्त, क्या आप वो जानते थे कि आप गुस्सा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप गलत हो। अगर आपको पता होता आप गुस्सा हो रहे हो तो आप उसे दबा सकते थे, लेकिन उस वक्त आप आपके मन के कंट्रोल में थे, आपका माइंड आप पर कंट्रोल कर रहा था। अगर आप पूर्णतः अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते तो आपको कभी गुस्सा आता ही नहीं, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले वो माइंड में सोचता है, स्केच बनाता है और फिर वो कार्य वास्तविक जीवन में हम करते हैं। अगर माइंड आपकी कंट्रोल में होता तो आप पर गुस्सा हावी होता ही नहीं। तो अब माइंड को कंट्रोल करना है तो कैसे करें वो हम आगे जानेंगे। हाउ टू डू मेडिटेशन, मेडिटेशन कैसे करें? इस पूरी सृष्टि में हम एक बहुत छोटे से कण हैं, हम सब की एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, सौभाग्य, शक्ति, मतलब हर समय हर हाल में सुख और शांति की कामना ही हमारा लक्ष्य है। लेकिन क्या हम ये पा सकते हैं? जी हाँ, हम ये सब पा सकते हैं जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझें।